साथ प्रमोशन इसलिए उनको ज्यादा मिल रही है कि जो जो प्लेयर अच्छा खेलने वाले जो होते थे, टेक्निकली अच्छा खेलने वाले होते थे, वो बड़ी क्रिकेट के अंदर या टेलीविजन के स्क्रीन पे वो नहीं आ सकते थे, लोग उनको पहचानते नहीं थे। तो ये एक वो वाली चीज़ है, हमने इंट्रोड्यूस की है, जैसे मदर एक्सपोर ने, और इसका जो स्पेन वर्ड जितना भी किया है वो हारून रशीद साहब ने किया है। तो आई थिंक कि हम टेक बॉल क्रिकेट का मकसद असल में ये है टू इंकरेज दी स्ट्रीट प्लेयर्स ताकि वो यहाँ आके करें। अब इस टूर्नामेंट के बाद मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अभी हमने 400 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया था, अब हमको नेक्स्ट ईयर शायद हो सकता है कि 600-800 प्लेयर स्ट्रीट से हमें मिल जाए, जिसका हमने बायोडाटा हम कलेक्ट करेंगे। और ये बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से हारून रशीद साहब ने और बदर एक्सपो ने किया कि वाकई इसमें पूरी मेहनत बहुत हुई है, स्पीड वर्क बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पहला टूर्नामेंट है जो क्लब लेवल क्रिकेट का या स्ट्रीट लेवल क्रिकेट का, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आसिफ अलवी साहब ने इसका इनॉग्रेशन में हिस्सा लिया और उसके ओपनिंग करी। तो इसमें जहाँ क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है टेप बॉल और वो जो स्ट्रीट के प्लेयर से इतने लेजेंड्स उन क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो इससे बच्चों में डिसिप्लिन भी आएगा क्रिकेट का। नेचुरली बिल्कुल आएगा, ये एवरी स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों में डिसिप्लिन पैदा करता है। हाथ अगर हाथ हैं तो उसके अंदर वो तरीक़ेकार निकालते हैं कि इसको जीता कैसे जाए, और जब जीतते हैं तो उसको इंकरेजमेंट मिलती है, खुश होता है बच्चा या प्लेयर जो है के, और फिर टेलीविजन पर आने की कोशिश करता है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स जो है बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है पाकिस्तान लेवल पर या कंट्री लेवल पर आने के लिए, मगर इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। और जो नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको इस प्लेटफॉर्म में हम क्या कोचिंग भी करेंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा जो तरीक़ेकार होगा वो हारून रशीद साहब उसके लिए वर्क कर रहे हैं, और हम 3-4 जने मिल के इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको ये प्लेयरों को कैसे बेटर किया जाए, इसके अंदर और कैसी क्वालिटी लाई जाए। जब हम क्वालिटी अच्छी लाएंगे तो नेचुरली प्लेयर जो है यंग प्लेयर है वो बेटर होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन, स्पोर्ट्स इन बॉक्स और कैटीपीएल मदर एक्सपो का जो एक ये इनिशिएटिव है, इसमें नो डाउट क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, और क्रिकेट वो क्रिकेट जो गलियों में कल तक खेली जाती थी उसे बहुत अच्छे तरीके से एक गुलदस्ते में लाकर यहाँ इस स्टेडियम में और महफूज हाथों में, और जो फख्र पाकिस्तान हमारे स्टार्स हैं वो इस क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, तो यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आएगी।